हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको एक ब्रांड न्यू टॉपिक पे वीडियो लेकर आ रहे हैं कि महाबचत और प्लस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों महाबचत है, क्यों प्लस है, ये 3DX तो दोनों सेम है भाई, इसमें नया क्या है। लोग क्यों बोलते हैं 49 क्या है, 74 क्या है, भाई इंजन क्या है, कौन सा इंजन है, BS3 है, BS4 है, JCB बनाती है, क्या बनाता है, कौन बनाता है ये इंजन, तो इसकी आज सारी बात क्लियर हो जाएगी। कौन 49 बना रहा है, कौन 74 बना रहा है, क्यों 49 लेना है, 74 लेना है, या एक जो नया टॉपिक है वो जो लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा नया इंजन लॉन्च होने वाला है। दो इंजन जो लॉन्च हुए हैं अभी, आपको आपने देखा होगा एक्सकॉन में जो दो ब्रांड न्यू इंजन लॉन्च हुए हैं उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे, क्योंकि तो क्या है आजकल हवा कुछ ज़्यादा हो गया और अब आने वाले टाइम में हवा से ही गाड़ी चलेगी। हवा बोले तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। पर अभी अपन टॉपिक से ना भटकते हुए 49 हॉर्स पावर के बारे में बता दें और 74 हॉर्स पावर के बता दें क्या है ये हॉर्स पावर इंजन की सारी जानकारी। अभी देखो हम राज को बुला रहे हैं जो आपको ये 49 के कुछ बताएंगे, कुछ कमी वो बताएंगे, तो कुछ कमी हम बताएंगे, कुछ फ़ायदे वो बताएंगे, कुछ फ़ायदे हम बताएंगे, और हम तो आए हैं यहाँ पे आपका फ़ायदा बताने के लिए। चलिए बुलाते हैं राज जी को। हेलो दोस्तों, तो मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को 74 HP मशीन के बारे में कि आज इसमें ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं कि हम सिर्फ इसी को ख़रीदें। और सोहेल जी जो हमारे हैं वो हमें बताने वाले हैं कि आप 74 49 HP क्यों ख़रीदें। तो मतलब हम दोनों का आज कॉम्पिटिशन होने वाला है, देखते हैं कौन इसमें जीतने वाला है, तो बने रहिएगा एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं सोहेल जी, आपकी मशीन 49 HP में ऐसा क्या है कि हमारे व्यूअर्स आपकी मशीन ख़रीदें। देखिए पहली बात तो ये, आपकी मशीन में जो बकेट लगा हुआ है 1.1 का जी, ठीक है जी, और हमारी मशीन में भी 1.1 का बकेट है जी, जो मीटर हाइट इसकी है जी वो इसकी है। तो देखो ये JCB का लोगो लगा हुआ है, ये वो JCB का लोगो लगा हुआ है, सेम टू सेम है, कुछ अलग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना। तो भैया हमारी मशीन सस्ती है यार, हमारी मशीन आपसे 3 लाख सस्ती है ना। आपका कहना है कि सब चीज इसमें सेम दिख रहा है, तो बट एक चीज़ ये भी तो है, इसमें पावर का भी तो फर्क आ रहा है। हमारी मशीन जैसे आपकी मशीन को 2 घंटे लग रहे हो, तो हम सिर्फ एक घंटे 45 मिनट में काम करके ख़त्म करके घर निकल जाएंगे, आप तो वहीं रह जाओगे काम करते हुए। तो भैया डीजल आप 5-6 लीटर डीजल पी जाइए आपकी गाड़ी, हमारी तो 3 लीटर डीजल भाई काम भी तो करके दे रही है आपको, जल्दी काम भी तो करके दे रही हो। ऐसा तो थोड़ी है कि दिन भर एक ही काम को करते रहो बस, और काम नहीं है हमारे पास। तो परफॉर्मेंस के लिए तो हमारी जो JCB है ना जी, ये परफॉर्मेंस में फास्ट है, हाँ ना, हर चीज़ में। और ये क्या है मतलब, वो देखिए इंजन का है तो यार इंजन में हल्का सा फ़र्क तो रहेगा, क्या 49 और 74 है जी, आप कम से कम 20 HP ज़्यादा है जी, तो इसकी पावर थोड़ी मैक्सिमम रहेगी जी, इसकी पावर जो है 49 है तो उस हिसाब से ये बेस्ट काम करेगी जी, ठीक है ना। हाइड्रोलिक की बात करें तो आप हाइड्रोलिक तो सेम ही है, हाँ हाइड्रोलिक सेम है, बट इसमें एक फ़र्क आपको यही मिलेगा कि हमारी मशीन जो है बस ज़्यादा जल्दी काम करके देगी, हाँ। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, और आपकी में भी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो ये मतलब आपका क्या है, आपकी हाँ। जो मशीन है वो BS4 इंजन है जी, पावर इंजन है, मतलब कल का इंजन है आज, जो पॉल्यूशन कम करता है, नॉर्म्स पर है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स पर है जी। अब 49 वो जो BS3 इंजन है उससे क्या है, उससे पॉल्यूशन थोड़ा इंक्रीज होता था, इसलिए कंपनी ने ये ले लिया। तो अब क्या है कंपनी का, एक और आपने न्यूज़ सुनी होंगे अभी एक्सकॉन में, तो कंपनी ने हाइड्रोजन मशीन को लॉन्च कर दिया है, मतलब क्या है, अब क्या है जो अब पावर का अपन फ्यूल में डीजल की जगह अपन हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं जी जी, ठीक है। और अदर कंपनी इलेक्ट्रिक भी लेकर आ रही है जी, JCB भी लाने वाली है इलेक्ट्रिक इंडिया में जी। और एक और चीज जो भी जैसे कि है ना, मार्च के बाद BS5 भी इंजन अपना आने वाला है जी, तो ऐसा सारी चीजें मतलब क्या, JCB भी क्या आगे ग्रो कर रही है, जैसी जरूरत है वैसी आगे ग्रो कर रही है। बट तो अगर हम 74 HP हमारी मशीन के बारे में अगर बात करें तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर मिलते हैं जो कि आपकी मशीन में शायद से नहीं है जी। अगर वो फीचर्स की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले आप देखोगे तो इंजन जो है हमारा BS4 इंजन है, और BS4 होने के साथ साथ इसमें ECU आता है जो कि आप बोल सकते हो कि एक तरह से मशीन का दिमाग है, है ना, बट जो कि आपकी मशीन में नहीं मिलता है। आपकी मशीन में क्या है कि जैसे आप सिर्फ एक उसमें इंजन लगा हुआ है, ट्रांसमिशन लगा हुआ है, एक्सल लगा हुआ है, तीनों अपने अपने काम करते हैं और घर चले जाते हैं। हमारी मशीन में क्या होता है, इंजन भी लगाए, ट्रांसमिशन भी लगाए, एक्सल भी लगाए, बट इससे काम करवाता है दिमाग, उसको पता है कि भाई मेरे को इस हैंड पे काम चाहिए, तो सिर्फ वो उस हैंड पे पावर देता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है,
पावर की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। जैसे क्या होता है कि इस एंड पे हमें काम चाहिए, ऑयल पूरा इस पर फ्लो होगा, बाकी कहीं और फ्लो होगा ही नहीं। तो इसमें आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट्स है वो आपको मिल जाते हैं। नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इंजन ईसीयू तो नहीं है इसमें, पर ईसीयू इस मशीन ईसीयू इसमें लगा हुआ है जो इसको बताता है। और जिसमें जो पंप है ना, हाइड्रोलिक पंप, वो डिफरेंशियल पंप है जी, पिस्टन पंप है, जैसे हम पिस्टन पंप कहते हैं जी। इसमें वो ही ईसीयू है जो जेसीबी 74 में है। और जैसे इसको भी बताना, बट वो सिर्फ हाइड्रोलिक मेंटेन करता है। तो हाइड्रोलिक ही तो मेन है यार, हमें मशीन में हाइड्रोलिक वर्क ही तो है जी। हमें क्या करना है, हाइड्रोलिक का काम करना है जी। भाई लोडिंग करना है तो हाइड्रोलिक जरूरत है, बेको का काम करना है तो बेको में हाइड्रोलिक जरूरत है। तो आप ऐसा कंपेयर मत करिए, क्योंकि ईसीयू सिर्फ एक आपका है, क्योंकि ये BS3 इंजन है तो इंजन ईसीयू की जरूरत नहीं है, इसमें इंजन ईसीयू जी, बाकी सेम है मशीन। हाँ मशीन सेम है, इसमें आपको कोई भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा चेंजेस। बाकी बस जो है कि ये थोड़ा सा क्या है कि सादा सिंपल मशीन हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बढ़ जाता है, पावर थोड़ी बढ़ जाती है, इसमें पावर कम रहती है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपको जो मशीन ठीक लग रही है आप वहाँ पे जा सकते हो, अगर आपको पावर चाहिए 74 HP पे आ जाओ, अगर आपको नहीं चाहिए आप 14 HP पे चले जाओ, इसमें ज़्यादा कोई सोचने की बात नहीं है, सिर्फ अभी दो ही प्रोडक्ट हैं। सही मायनों में अगर आपको डीजल बचाना है और अगर आपको रेंट में यूज़ करनी है तो आप 49 पे आ जाइए, और अगर आपको 74 हॉर्स पावर चाहिए, ज़्यादा वर्क चाहिए, तो आप 74 पे आ जाइए। तो ऐसी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब।